हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम ऐसी है कि सुनने में तो अपने को हंसी आती है कि यार क्या है, कंधा उतर जाता है, ऐसे छोटी सी बात होगी, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है। एक बार कंधा उतर जाता है तो सारे भगवान याद आ जाते हैं और फिर आदमी ढूंढता है उधर उधर कि कोई मेरा कंधा बिठा दे। धीरे धीरे जब बार बार कंधा उतरता है तो उसको समझ में आता है कि ऐसे खींचूंगा तो कंधा बैठ जाएगा, लेकिन ये दिक्कत की वजह से मन में डर तो बना ही रहता है। कई बार तो सोते सोते भी कंधा उतर जाता है, आदमी को सोने में भी डर लगता है, और दूसरा कोई अगर कोई चीज़ फेंकता है तो भी उसको डर लगता है कि यार कहीं मेरा कंधा नहीं उतर जाए इसके फेंकने से। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ने लग जाता है। लोग जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर सहारा लेते हैं पहलवानों का या चूरन चटनी करने वाले लोगों का। वो लोग मालिश करके एक बार तो सेट कर देते हैं, लेकिन कह देते हैं कि भाई गारंटी नहीं ले सकता, 10-5 दिन में दोबारा भी उतर सकता है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये जो ऑपरेशन है वो मैं कर तो दूंगा, लेकिन ना तो मेरे रिजल्ट की गारंटी रहेगी और ना मूवमेंट्स की गारंटी रहेगी, हो सकता है हाथ इतना ही उठे। तो आदमी डर के घर चल जाता है कि इससे तो उतरने वाला ही सही है, कम से कम मेरा कंधा मूवमेंट तो पूरे हो रहा है। ऐसे में जब उसको मेरा चैनल देखने को मिलता है तो उसको पहली बार कोई उम्मीद की किरण जगती है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो इलाज है वो गारंटी से भी हो रहा है, मूवमेंट भी पूरे मिल रहे हैं, और जो खर्चा है वो भी 2-2, 3-3 लाख नहीं लग के बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो रहा है। इसीलिए आप देख लीजिए कि बांग्लादेश, भूटान, मिडिल ईस्ट में ओमान, दुबई, सब जगह से ही लोग यहाँ पे आते हैं। हिंदुस्तान के तो हर कोने से वैसे भी आपने देखे होंगे, वीडियो में आते ही रहते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनके की यही प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है। आइए, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, नरेंद्र नाम है मेरा। नरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? फुलेरा, जयपुर का। और आपको कंधा उतरने में ये दिक्कत थी, वो शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? मैं कबड्डी के दौरान ये इंजरी हुई थी और उसके दौरान ये हाथ उतरा था पहली बार, फिर उसके बाद दो तीन बार उतरता गया ये ऐसे बार बार, फिर लास्ट में कंडीशन ऐसी हो गई जैसे छींक के सहारे से भी ये कंधा उतर जाता था। तो आपके मन में हमेशा घबराहट रहती होगी कि अब उतरा? हाँ, ऐसा तो रहता था, रात को सोते समय भी डर रहता था कि कहीं ना कहीं कंधा उतर जाए। हाँ, तो आपने कहीं रिसर्च करी थी आसपास में, कहीं डॉक्टरों को दिखाया था? भाई आप तो जयपुर के ही हो, तो आपने कोई राय ली थी किसी से? एक दो डॉक्टर से मिला मैं जयपुर के अंदर, जो अब एक दो जानकारी वाले रहते ही हैं ना, किसी न किसी के थ्रू तो मिलते ही हैं जो किसी डॉक्टर से। तो जब मिले तो वो डॉक्टर ने कहा कि हम गारंटी नहीं लेंगे और देख लो, अब आपके हिसाब से आप पे डिपेंड करता है। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, यहाँ आया, आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो देखा वैसा का वैसा ही यहाँ अनुभव मिला मुझे। दोस्तों, बात सही है। देखो, शरीर का मामला है, आदमी अगर आपको देखो गारंटी नहीं मिल रही है तो इलाज कराने में डर तो लगता ही है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल नुकसान होता है। चलो एक बार आप फाइनेंशियल चीज़ को साइड में हटा लो, लेकिन बॉडी का जो नुकसान होता है वो इरिप्लेसेबल होता है। तो आदमी को ठोक बजा के इसमें फैसले करने चाहिए। कई बार लोग इस तरह से फैसले करते हैं, जो नरेंद्र जी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास का डॉक्टर कौन सा है, या हमारी कास्ट का लोग कौन है, या मेरे मौसा जी किसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें आजकल गूगल का ज़माना है, आप रिसर्च करिए, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट अलग है। जैसे मैं ACL और शोल्डर का या हिप रिप्लेसमेंट का स्पेशलिस्ट हूँ, आप मुझसे आके कहिए कि सर मुझे आप ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दो क्योंकि आपने शोल्डर का भी अच्छा किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर बीमारी के आजकल अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। कई बार लोग फ्रैक्चर के डॉक्टर के पास ही पहुँच जाते हैं और कहते हैं आप मेरा कंधे का इलाज कर दो, हो सकता है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर हो सकता है नहीं हो। तो इसमें क्या है, गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से, इन सब की वजह से आजकल रिसर्च करना आसान हो गया है, और बेसिक होमवर्क करके आप जाओगे तो आपके धोखा खाने की चोट जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आपका ऑपरेशन का यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, कितना दर्द हुआ इस ऑपरेशन के दौरान आपको? दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कई लोग ये कहते हैं, मतलब आप ये बताओ कि जो कंधा उतरता है उस टाइम ज़्यादा दर्द होता है कि ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द है? नहीं, कंधा उतरता है तब तो याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ उस टाइम तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ जब ऑपरेशन के दौरान। तो ऑपरेशन के बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ तो थोड़ा वो दर्द आपको हुआ होगा? हल्का फुल्का, उतना नहीं है लेकिन बहुत नाम मात्र का है सर। तो मतलब आप ये मानोगे कि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है? कितना आपको लगा कि भाई, जैसे आपने जब आदमी ऑपरेशन शब्द सुनता है तो एक बार तो घबरा जाता है, उसको भगवान याद आ जाते हैं। एक बार तो ऐसा लगा कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब ऑपरेशन की प्रोसेस जब पूरी हुई तब ऐसा लगा कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ। आपके हिसाब से आप अकेले आके भी करवा सकते हो इस ऑपरेशन? हाँ, बिल्कुल आराम से अकेले आके करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, अब इनका कंधा पूरी तरह ठीक हो गया है। 45 दिन के लिए मैंने इनको ये पट्टा दिया है, बाद में हम इस पट्टे को हटा देंगे, उसके बाद इनकी ग्रेजुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। 2-3 महीने में ड्राइविंग कर सकते हैं, 6 महीने में जिम विम
कबड्डी जो भी चाहते हैं तो भी खेल सकते हैं। अब इनका कंधा कभी भी नहीं उतरेगा। अगर आप लोगों का भी कंधा बार बार उतर रहा है तो आप एक बार MRI करवा लीजिए। अगर MRI करवा रखी है तो मेरे को रिपोर्ट भेजिए। उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी होती है कि बैंक कार्ड है कि नहीं, हिल सैक है कि नहीं, बोन लॉस है तो कितना है, 20% से ज़्यादा है, 20% से कम है। उसके द्वारा हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि हम 100% सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देते हैं, फुल मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। फिजियोथेरेपी निःशुल्क कराई जाती है जिससे कि आपको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो अब मैं आपको नरेंद्र जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जगह के चुनाव के लिए, और मुझे लगता है कि आप परफेक्टली फिट हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सर।